इलाकों में पैदल मार्च कर रही है। लोगों से शांति बनाए रखने की लगातार पुलिस की तरफ से अपील भी की जा रही है। इंटरनेट सेवा को बंद करने से अब अफवाहों में भी देखिए कमी आई है। देखिए कल थोड़ी देर के लिए कुछ कंपनियों ने इंटरनेट की सेवा को खोला था, उसके बाद तुरंत अफवाहों का दौर शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद तुरंत शाम तक यह आदेश आ गया कि सभी इंटरनेट की सेवाओं को 23 दिसंबर तक बंद कर दिया जाए ताकि अफवाहें जो फैल रही हैं वो ना फैल पाए। यही वो परिवर्तन चौराहा है जो बृहस्पतिवार को हिंसा का शिकार हुआ था, जहाँ पे कई वाहनों को जो है जलाया गया था, आगजनी की गई थी और जमकर जो है यहाँ पे पथराव किया गया था। पुलिस को जवाबी कार्रवाई में जो है यहाँ पे आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे, पथराव भी करना पड़ा था। इस हिंसक के बाद आज की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह बदल चुकी हैं। आप देखें कि पूरी तरह से शांति का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। एहतियातन जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। खुद सीओ हजरतगंज अभय मिश्रा के नेतृत्व में जो यहाँ जो पुलिस फोर्स है वो मार्च कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था जो है कायम रखें, घरों में रहें, किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। जिस तरह से 3 दिन पहले यहाँ पे हंगामा बरपा था, आज पूरी तरह से शांतिप्रिय माहौल है। तमाम जनपदों में तो दिखाई दिया नहीं, लेकिन लखनऊ इस समय शांत है। क्या कहेंगे, कितनी मेहनत जो है काम आ रही है? देखिए, लगातार उच्च अधिकारी गणों के माध्यम से और सभी पुलिस फोर्स के द्वारा लगातार गश्त पेट्रोल की जा रही है, पर्याप्त मात्रा में फोर्स व्यवस्थापन करके, और साथ भी लोगों से भी अपील की जा रही है कि किसी के बहकावे में ना आए। धारा 144 लागू है, इसीलिए कोई भी विधि विरुद्ध जमाव को न बनने दें और न खुद शामिल होने के लिए आए, और सभी को रोकें उसमें शामिल होने के लिए, पुलिस का सहयोग करें, शांति अमन चैन बनाए रखें। शामिल थे हिंसा में उनको चिन्हित किया जा रहा है, नंबर वायरल किए गए हैं, लोगों से अपील की जा रही है, फोटो वायरल किए जा रहे हैं जो उपद्रवी हैं, और उनकी सूचना देने की अपील जो है लोगों से की जा रही है। तो साफ है कि जो लखनऊ जल रहा था वो पूरी तरह से शांत हो चुका है, और पुलिस जरूर जो है जगह जगह मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह का जो असर है दोबारा राजधानी लखनऊ में ना दिखाई दे। कैमरा पर्सन दुबे साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो अब गोरखपुर में देखिए, जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है।